नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं सपूनी जी हैं, जो काफी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं, इनको कैसा महसूस होता है आश्रम में। मुन्नी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मुन्नी जी, आप कितने समय से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा? मैं पिछले 15 सालों से आ रही हूँ। कैसा लगता है आपको आश्रम का माहौल? हाँ जी, आश्रम का माहौल कैसा लगता है? मेरे को आश्रम का माहौल तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आश्रम में आना, घर में मेरा बिल्कुल मन भी नहीं लगता। जब मैं आश्रम में आती हूँ तभी मेरा मतलब सब काम होता है, जो भी हो करना चाहती हूँ। घर में रहूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। जब भी आश्रम में आती हूँ तब मेरा बिल्कुल ठीक ठाक दिन जाता है। यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है? लड़कियों की सुरक्षा तो इतनी जितनी यहाँ पर सुरक्षा है लड़कियों की ना, इतनी कहीं पे भी नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में, टीवी में दिखाया जा रहा था? नहीं नहीं नहीं, हमको मैं तो पिछले 15 सालों से आ रही हूँ, मैं तो गेट तक ही पहुँचती हूँ। लड़कियों के लिए जितना बेहतर यहाँ, जितना मतलब सुरक्षा यहाँ है, इतनी तो कहीं भी नहीं होगी। हर जगह हम सत्संग में देखते, भागवत होते, कथाएं होती, उनमें इकट्ठे बैठे होते हैं लेडीज जेंट्स। हमारे तो इतना फैसला है लड़कियों का, लेडीजों का। लेडीज बिल्कुल अलग साइड में रहती है, जेंट्स बिल्कुल अलग साइड में रहते हैं। लड़कियों के लिए जितनी सुरक्षा यहाँ पे है, मुझे लगता कहीं भी और ना हो। संत गुरमीत राम रिंग सिंह चिंसा का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? जी, संत जी का स्वभाव कैसा है? संत जी का स्वभाव, जो हमें आज जो कुछ भी सिखाया, जो हम कर रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, सब संत जी की ही कृपा है। हमारे को तो उनका स्वभाव इतना वो लगता है ना, वैसे तो देश में कोई, दुनिया में कोई होएगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, लोगों के? समाज के लिए उन्होंने ये पूछो क्या नहीं किया, आप ये पूछो क्या नहीं किया उन्होंने। जो किया है उन्होंने किया समाज के लिए, जो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, जितना इज्जत मान सम्मान सब लेडीज को हमारे गुरुजी ने दिया, उतना कोई ना किसी ने ना दिया, ना आगे कोई दे सकता। हमारे लिए तो सब कुछ वही है मैम, लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तो मीडिया अजीब पब्लिक है, कुछ मर्जी कर सकती है। जो अच्छा काम करते हैं उन पे तो आरोप सभी लगाते हैं, और आम दुनिया पे नहीं लगते ना। आम लोग कितना कुछ कर रहे हैं आप देख रहे हो, जरा सी छोड़ो, औरों को छोड़ो, किसानों को ही देखो, कितने लोगों को मार रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है दिन में, बहुत वो कर रहे हैं। अब हमारे गुरु जी पे तो यही झूठे इंजाम है। ये दुनिया की, ये सरकार की चाल नहीं कर सकते, दुनिया की चाल कर सकते, चाहे कैसे भी हो। जो अच्छा काम करते हैं उस पर दुख संकट आता है। अच्छे काम किए हैं सभी, अच्छे काम किए सभी। गरीब लड़कियों का विवाह कराते हैं, जिनके बेटे नहीं है उनके, उनके बेटियों को बेटा बनाकर घर में शादियां करके लाते हैं। सभी अच्छे काम जितने भी हो संसार के अंदर, हमारे को तो ये लगता है इनसे अलावा और किसी ने नहीं करा। 4 सालों से नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? बहुत बुरा हाल हो रहा है। इतने मतलब हम तो इतना मतलब दुखी है, इतने परेशान है। सिरसा में हमने आज तक सुना नहीं था इतना नशा है। आज जो इतना नशा है, जो इतनी गलत लोग, जैसे एक पंछी आजाद हो जाता है ना, आजाद लोग वैसे हो रहे हैं आधे लोग। क्यों, उनका डामाडोल हो गया, उनको कोई समझाने अच्छे रास्ते पे लगाने वाला कोई है नहीं। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो सरकार से मांग करते, हाथ जोड़ के अपील करते हैं, हमारे गुरुजी बाहर आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिहाई की मांग की जा रही है सैनिक गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा के लिए। लगातार पब्लिक बता रही है, चीख चीख कर ये लोग अपील कर रहे हैं कि समाज में नशा बढ़ रहा है, जब से संत जी समाज में नहीं है। अगर समाज को नशे से दूर करना है तो संत जी समाज में आने चाहिए। इन लोगों का मानना है, जो लोग नहीं चाहते नशा खत्म हो, उन्होंने संत जी को समाज से दूर किया है, झूठे आरोप लगाए हैं। ये जनता का कहना है, आपकी कह रहा है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।